Hi there, welcome back to our channel Let's Learn Edit. I'm Santosh signing in for today's session. In this session, we'll discuss about the basics of editing, what is editing and what are the types of editing. We'll also discuss about the differences between Adobe's two major softwares, Adobe After Effects and Adobe Premiere Pro. At the end of this session, we'll start the first class of our coming series of Adobe After Effects. Namaskar dosto, main Santosh dobara swagat karta hu aapko hamara channel Let's Learn Edit pe. आज का इस वीडियो में हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे. एडिटिंग क्या होता है और एडिटिंग कितने टाइप का होता है. Adobe का जो टू मेजर सॉफ्टवेयर है, Adobe After Effects एंड Adobe Premiere Pro, उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे. और वीडियो का अंत में हम हमारे आने वाली Adobe After Effects का पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं. हमारे साथ बने रहिए दोस्तों. धन्यवाद. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. व्हाट इज एडिटिंग. एडिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग वीडियो, फोटो, ऑडियो, सिनेमैटिक और रिटर्न मटेरियल टू डिलीवर ए मैसेज. तो दोस्तों जैसे हमारे पास बहुत सारा वीडियो क्लिप्स है, ऑडियो क्लिप्स है या फिर दूसरा कुछ मटेरियल भी है, फोटो है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस एंड सिलेक्ट, मतलब जो हमारा काम का चीज़ है उसको अलग, दूसरा डिलीट, और जो काम का चीज़ है उनको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे ताकि ये एट द एंड ऑफ द एडिटिंग हम उसमें से एक मैसेज जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम एडिट कर रहे हैं, अगर लास्ट में जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो या फिर कोई रिटन आर्टिकल हो, अगर एट द एंड वो कुछ मीनिंगफुल वाला नहीं बन रहा है तो फिर हमारा एडिटिंग सही नहीं जा रहा है. ध्यान दीजिएगा दोस्तों. राइट, सो बात की एक बात, एडिटिंग के बाद अगर एंड प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा वर्क जीरो है. ठीक है दोस्तों, तो एडिटिंग से पहले होमवर्क बहुत जरूरी होता है. तो दोस्तों उम्मीद है आपको एडिटिंग क्या है वो पता चल गया होगा. एडिटिंग मतलब कुछ भी चीज को मैनिपुलेट करके हम उसे एक मीनिंगफुल वाला फाइनल चीज बनाना है. तो हम यहाँ पे सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बात करेंगे. आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो का जो स्पेशल इफेक्ट्स होता है हम वो सीखेंगे. प्रीमियर प्रो में वीडियो एंड ऑडियो का इन डेप्थ में एडिटिंग सीखेंगे. तो दोस्तों एडिटिंग टू टाइप का होता है, एक होता है लीनियर वीडियो एडिटिंग एंड दूसरा होता है नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, हम उसको एनालिसिस करके भी बोलते हैं. लीनियर एडिटिंग में बेसिकली टू इक्विपमेंट होता है, एक वीडियो कैसेट प्लेयर होता है और दूसरा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है. वीडियो कैसेट प्लेयर जिसको हम VCP बोलते हैं और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जिसे हम VCR बोलते हैं. VCP में हम सोर्स कैसेट यूज करते हैं जिसमें हमारा शूटिंग किया हुआ पूरा क्लिप रहता है, और VCR में हमारा प्रोडक्ट कैसेट रहता है जिसमें हम VCP से जो हमारा रिक्वायर्ड क्लिप्स है उसे सिक्वेंस वाइज एक के बाद एक, एक के बाद एक रिकॉर्ड करते हैं. इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या आता है, जब वीडियो बन जाने के बाद हमें कुछ याद आता है कि नहीं ये ऐसे करना था, तो फिर हम क्या करते हैं, टाइमलाइन में वापस जाते हैं और वहां से रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं. इससे क्या होता है, पूरा टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाता है. इसको ओवरकम करने के लिए फिर बाद में इंसर्ट एडिटिंग का ऑप्शन आया. इंसर्ट एडिटिंग में क्या होता है, रादर देन दिस VCP एंड VCR एक तीसरा कंसोल भी यूज होता है. उस कंसोल में दोनों VCP एंड VCR कनेक्ट होता है. हमारा जो डिजायर क्लिप्स है हम पहले VCP से लेके कंसोल में स्टोर कर लेते हैं, फिर कंसोल से एज पर हमारा रिक्वायरमेंट हम VCR में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. लीनियर एडिटिंग में और एक एडिटिंग होता है असेंबल एडिटिंग, जिसे रील एडिटिंग भी बोलते हैं, पंच एंड क्रंच एडिटिंग भी बोलते हैं. होता क्या है, जैसे कोई मूवी रिलीज हो गया, मूवी तो आजकल डिजिटल हो गया, पहले रील में आता था. उसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ सीन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन आया तो उस सीन को निकालना है. उस टाइम पे क्या करते हैं, ओनली रील में से जो पर्टिकुलर सीन है उसका जो बोथ एंड होता है, इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट होता है, उसको कट करके निकाल देते हैं, फिर दोनों रील को आपस में सेलो टेप में जॉइंट कर देते हैं, बस एडिटिंग हो गया. इसको असेंबल एडिटिंग बोलते हैं. अब बात करते हैं नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग के बारे में. नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, उसको एनालिसिस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, हम हमारा पूरा सोर्स डाटा को पहले सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उस डाटा को यूज करके मैनिपुलेट करके हमारा फाइनल वीडियो बनाते हैं. क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ये बहुत वर्सेटाइल होता है और इजी टू यूज भी होता है. इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग भी बोलते हैं. नॉन लीनियर एडिटिंग दो टाइप का होता है, एक ऑफलाइन एडिटिंग होता है, दूसरा ऑनलाइन एडिटिंग होता है. यहाँ से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत सारा एडिटर है जिनको अभी भी डाउट होता है कि ऑनलाइन एडिटिंग क्या होता है एंड ऑफलाइन एडिटिंग क्या होता है. बहुत सा सिंपल सा बेसिक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है इसलिए इनका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ऑफलाइन एडिटिंग क्या है एंड ऑनलाइन एडिटिंग क्या है. ऑनलाइन एडिटिंग मतलब हम जो सिस्टम में डायरेक्ट एडिटिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन एडिटिंग होता है, मतलब जो सोर्स फाइल है उसको डायरेक्ट यूज करके हम जो एडिटिंग करते हैं उसको ऑनलाइन एडिटिंग बोलते हैं. आप मोबाइल में एडिटिंग करते हो, पहले कैमरा में फोटो लेते हो, उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं, फिर उस फोटो को आप एडिटिंग करते हो, तो ये ऑनलाइन एडिटिंग ही हुआ. तो फिर ऑफलाइन एडिटिंग क्या होता है, ऑफलाइन एडिटिंग क्या होता है, जैसे
हमने कोई फुल रिजोल्यूशन में वीडियो शूट कर रहे हैं उसका जो रॉ डाटा होता है, या फिर 4K में वीडियो शूट कर रहे हैं उसका जो रॉ डाटा होता है वो बहुत हैवी होता है, तो नॉर्मल कंप्यूटर को उस डाटा हैंडल करने के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो रॉ फाइल होता है उसका एक प्रॉक्सी फाइल हम बनाते हैं। प्रॉक्सी फाइल क्या होता है, प्रॉक्सी फाइल रॉ फाइल का एक छोटा वर्जन होता है जिसे कंप्यूटर आसान से हैंडल कर लेता है। तो ऑफलाइन एडिटिंग को हम प्रॉक्सी एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक बातें एडिटिंग के बारे में, अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एडोबी प्रीमियर प्रो एंड एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। दोस्तों दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एडिटिंग के लिए यूज होता है। दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस, टीवी चैनल्स, वेडिंग प्रोजेक्ट्स या फिर फिल्म प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। आप अपना हेयर ड्रेसिंग किससे करते हैं, ऑब्वियसली सीजर से ही करते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा ये लो पकड़ो सीजर और जाके ये फुटबॉल फील्ड का पूरा घास ड्रेसिंग कर दो, आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सीजर का काम होता है छोटे मोटे प्रेसिशन वर्क करने के लिए। अगर आपको फुटबॉल फील्ड की पूरे घास को ड्रेसिंग करना है तो आप ऑब्वियसली एक ग्रास कटर ही लोगे, राइट? दोस्तों एक एक मूवी का लेंथ एक घंटा, दो घंटा या फिर उससे ज़्यादा भी होता है, तो हम उसको आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रीमियर प्रो ही चाहिए। दोस्तों प्रीमियर प्रो में हम बहुत सारे क्लिप को असेंबल करके एक मूवी बनाते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में हम उन्हीं में से एक क्लिप में कुछ स्पेशल इफेक्ट ऐड करते हैं, राइट? सो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लाइक वीडियो क्लिप्स असेंबल, ऑडियो क्लिप्स असेंबल, कॉमन ट्रांजिशन, कॉमन इफेक्ट, ये सब हम प्रीमियर प्रो में करते हैं। सो कैमरा ट्रैकिंग, कैमरा लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन, मैजिकल टाइप का जितना वर्क्स, ये सब आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। ये देखिए दोस्तों प्रीमियर प्रो का वर्क फ्लो कैसे होता है, ये हमारा टाइमलाइन है। अभी देखिए ये ऑडियो टाइम रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक ही क्लिप, अभी वीडियो डाला नहीं है, वीडियो डालेंगे इसके बाद। अभी देखिए एक ही टाइमलाइन पे, एक ही ऑडियो ट्रैक पे कैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑडियो असेंबल हुआ है। प्रीमियर प्रो पे एक ही ट्रैक पे पूरे क्लिप एक के बाद एक ऐसे ही असेंबल होता है। अब आफ्टर इफेक्ट्स में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों आफ्टर इफेक्ट्स का कंसोल कैसे होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में एक लेयर के बाद ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे लेयर्स हम डालते जाते हैं। लेकिन प्रीमियर प्रो में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक ही ट्रैक में पूरा क्लिप्स रहता है। यहाँ पे जितने क्लिप्स होता है वो उसके अबव उस एक दूसरा क्लिप रहता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। वेलकम टू आवर क्लास एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स का पहला क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का कंसोल। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में जब आप काम करेंगे आपको ये कंसोल कुछ इस तरफ दिखेगा। हम अगले क्लास में ये जो जितना भी सेक्शंस दिख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और इन डेप्थ अगले क्लास में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वन डे या टू डेज के बाद मैं अपलोड करूंगा, उसमें सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना गूगल का होम पेज पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए डाउनलोड फ्री आफ्टर इफेक्ट्स। ये जो पहला सर्च रिजल्ट आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये आपको डाउनलोड पेज पे लेके चलेगा। यहाँ पे आपको 7 डेज फ्री का ऑफर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए और ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको 7 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप उसको यूज मत कीजिएगा, जैसे ही हमारा क्लास शुरू हो जाएगा उसके बाद आप उसको यूज कीजिएगा। तो दोस्तों हम हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं और आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ही ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करें। अगर आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन लेके उसके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता है। तो शुरू हो गया आज से हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का पहला क्लास। अगले क्लास में हम इन डेप्थ बहुत कुछ जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इफेक्ट्स का हर एक लैडर चढ़ते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो अपडेट होते ही आप तक पहुंच सके। वीडियो में यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एडिट। आई एम संतोष साइनिंग आउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।